हेलो एवरीवन, राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज सुबह सुबह उठे तो देखा बाहर शोर मचा हुआ है। बाहर जाकर देखा तो पड़ोसियों ने बहुत अच्छी सफाई कर दी है। अब मुझे भी करनी पड़ेगी सुबह सुबह ही, क्योंकि इक्वल इक्वल रखना जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय, और यहाँ पर देखें पड़ोसियों ने तो सफाई करने के साथ साथ यहाँ पे पानी का छिड़काव भी कर दिया है। तो आज तो सफाई करनी बनती है अभी अभी। और इसके बाद चाय पानी लेकर मैं यहाँ पर लग गई हूँ सब सफाई करने में। तो चलिए कर लेते हैं क्लीनिंग। और आज दिन है संडे फंडे, तो खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं होती है संडे वाले दिन, आराम से सब काम हमारे निपट जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं चल रही हूँ वॉकिंग के लिए। तो देखिए सूर्य देव कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कॉलोनी का थोड़ा व्यू। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सुबह सुबह का मौसम है, चारों तरफ हरियाली। और सुबह सुबह देखिए चिड़ियों की कितनी अच्छी जो है आवाज़ आ रही है। और इसके बाद घूमने के लिए मैं आ गई थी पार्क में। तो यहाँ का नज़ारा देखिए, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं फ्लावर, और बड़े भी हो गए हैं बहुत ही ये। तो ये देखिए पेड़ों पर भी जो है पेंटिंग कर दी गई है फ्लावर शो की तैयारी में। तो चलिए थोड़ा वॉक कर लेते हैं। और यहाँ पर मोर भी आ गए हैं भाई मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो इन सभी की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। और ये देखिए अंदर का नज़ारा कुछ ऐसे दिख रही हैं फ्लावर। ये देखना कितनी अच्छी जो है डिस्प्ले इन्होंने कर दी है। और सल्यूट है इनको जो दिन रात शाम सुबह जो है इनको इनकी रखवाली कर रहे हैं, पानी वानी का पूरा इनका ख्याल रख रहे हैं। बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पे इनका ध्यान रखा है। और तो चलते हैं अभी। और फ्लावर शो वाले दिन तो और भी ज़्यादा रौनक यहाँ पे लगेगी, क्योंकि बहुत सारी वेराइटी देखने को मिलेंगी। और कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, मतलब किसी पे कोई रोक नहीं है, कोई भी आ सकता है देखने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगेगा फ्लावर शो के दिन। पार्क में थोड़ी देर नॉर्मल वॉक करने के बाद यहाँ पे कर लेते हैं रनिंग। और ये देखिए मोर जो है बेचारा डर कर भाग गया। चलिए यहाँ पे थोड़ी कर लेते हैं रनिंग और एक्सरसाइज। उसके बाद मैं आ गई थी घर। नाश्ते में यहाँ पर बना रही हूँ सभी के लिए पकोड़े, और अभी बना लेते हैं खाना क्योंकि उसके बाद सभी को है बाहर जाना। तो यहाँ पर जो है खाना लगा दिया है पापा। और यहाँ पर खाने की थाली जो है हो गई है तैयार, और पापा और हर्षू खाना खाकर चल दिए हैं घूमने के लिए बाहर। तो अभी धूप भी अच्छी आई हुई है, तो देखिए कैसे आगे आगे भाग रही है। पापा पकड़ रहे हैं इसको, गाड़ी वगैरह आती रहती है रोड पे। और उसके बाद ये देखिए प्रिंस लगा है लैपटॉप देखने में, और हर्षू हर्षू की खाओ है खेल रही है पापा के साथ। चीजी लेके ले आया, जब भी पापा घूमने जाते हैं तो चीजी जरूर लेके आती है ये। और ये देखिए साफ सफाई का काम जो है कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर मैं हर्षू को दूध पिलाकर सुला रही थी, क्योंकि जब ये सोने को होती है तो रोने लगती है बहुत ज्यादा। तो अभी इसको सुला देते हैं, थोड़ी देर सो लेगी तो अच्छा फील करेगी। बाद इवनिंग में मैं यहाँ पर बना रही थी मैदा की मटर। तो मैदा को मैंने गूंथ लिया था अजवाइन और थोड़ा सा ऑयल मिलाकर, तो इसकी जो है रोटियाँ बेल ली हैं। तो अभी फटाफट से कट करके ऑयल में जो है फ्राई कर लेंगे। तो इनको आप स्नैक्स के रूप में खा सकते हो, चाय के साथ अच्छी लगती है। और प्रिंस जो है अपने लंच बॉक्स में भी इनको लेकर जाता है, तो अभी बना के रख लेंगे। अभी मैंने सारे ही पीसेज में इनको कट कर लिया है। तो ये देखिए कर लेते हैं फ्राई। और हर्षू भी देखिए उठ गई थी, तो वो यहाँ पे मेरे साथ ही लगी हुई है। पहले तो रो रही थी वो, उसके बाद मैंने उसको स्लैब के ऊपर ही बैठा लिया है। तो अब यहाँ पे वो कह रही कि मम्मा मुझे ही कट करनी है। तो देखिए चाकू के साथ कैसे काटने में लगी है। और प्रिंस बोल रहा था कि मम्मा इसका पिज्जा बना दो मैदा से, लेकिन पिज्जा बनाने में टाइम लगता है तो मटर ही बना दी है। और साथ में बना दिया था खाना भी, तो पापा भी खाना खा रही हैं। और हर्षी और अनाया दोनों देखिए खेलने में लगी हैं। Yeah.
और यहाँ पर खाना खाने के बाद अभी सभी जो है बाहर खेलने में लगे हैं। तो प्रिंस देखिए कैसे पेड़ के बीच में बैठा हुआ है और हर्ष के साथ खेल रही है नया भी। जो है रात का है टाइम, मस्ती करते हुए बच्चा पार्टी। बाद अंदर सभी कर रही हैं बातें। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पापा जी की कल की टिकट हो गई है कंफर्म। तो प्रिंस बोल रहा है कि दादाजी कुछ दिन और रुक जाओ, पर पापा जी को अभी है जाना। तो फाइनली फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।